हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी के सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। इससे पहले मैंने दो सेशन कवर किया हुआ है, दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूपी स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर के, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूपी में जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ये सेशन है, तीनों वीडियोज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगणना 2011 से क्या रही है स्थिति। प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा देश का प्रतिशत 19,98,12,341, 19,98,12,341, जो कि लगभग 16.50% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है और देश का परसेंट 16.50% है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.29% और महिलाओं का प्रतिशत है 47.71%। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 22.3%। देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता है 18.63%, देश में प्रथम है। कितना है? 18.63%। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता 11.79% है, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश जनसंख्या में चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद पांचवें स्थान पर है। इससे पहले ये छठे स्थान पर था। इस दौरान ब्राज़ील इसे पीछे छूट गया। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद चौथा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.50% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले पांच जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला देश जगह है प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर, और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला स्थान है गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जगह है गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। सबसे कम शहरी आबादी है श्रावस्ती में, चित्रकूट और कौशाम्बी में। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले पांच जिले हैं घटते क्रम में प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, फिर लखनऊ। सर्वाधिक महिला आबादी वाले पांच जिले हैं घटते क्रम में प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और फिर लखनऊ। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले पांच जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं आगे, शिशु जनसंख्या के बारे में जानते हैं। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या तथा प्रतिशत 3,07,91,331। परसेंटेज की बात करें तो 15.41% है। 2001 में शिशु जनसंख्या 19.0% था, तो इस प्रकार 2011 में शिशु जनसंख्या में 3.59% की गिरावट आई है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत बहराइच 18.77% और सबसे कम कानपुर नगर में है 11.13%। सर्वाधिक बाल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में यूपी में है, बिहार में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। सबसे कम बाल जनसंख्या है ग्रामीण में लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक बाल जनसंख्या शहरी क्षेत्र में शहरी है यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में। सबसे कम बाल जनसंख्या शहरी लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, सिक्किम और दमन एवं दीव।
उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले चार जिले हैं, बलरामपुर में 950, संत कबीर नगर में 942, बहराइच में 935 और सिद्धार्थ नगर में 935। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले चार जिले हैं, बागपत 841, गौतम बुद्ध नगर 843, गाजियाबाद में 850 व मेरठ में 852। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2001 में 916 था, जो कि घटकर 2011 में 902 हो गया है। यानी 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में 14 अंक की कमी हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात में राज्य का शिशु लिंगानुपात 17 कम है। बढ़ते आगे, जनसंख्या घनत्व। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि 139 हुई है। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 91 के दौरान तथा सबसे कम वृद्धि 1951 से 61 के दौरान हुई है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले पांच जिले हैं, घटते क्रम में अगर हम बात करेंगे तो गाजियाबाद है, वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर जो कि भदोही में है, और फिर कानपुर नगर। न्यूनतम जनसंख्या वाले पांच जिले हैं, बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, उसके बाद महोबा, फिर चित्रकूट, ये बढ़ते क्रम में है। साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.68%, पुरुष साक्षरता 77.28% है और महिला साक्षरता की बात करें तो 57.18% है। 2001 से 11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में 11.41% की वृद्धि हुई है। 2011 में राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से 5.3% कम है। सर्वाधिक साक्षरता वाले पांच जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। सबसे कम साक्षरता वाले पांच जिले हैं, पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और पांचवा रामपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला है गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता क्रमशः प्रतिशत के आधार पर अगर बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता की, तो श्रावस्ती में है, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला स्थान है कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जगह है श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता 65.46% और नगरीय साक्षरता 75.14% है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 20.1% का है। इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज व सबसे कम कानपुर नगर जिले में है। लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है, भारत का लिंगानुपात 943 है, 943। 2001 में लिंगानुपात 898 था, जिसकी तुलना में 2011 में लिंगानुपात 14 अंक की वृद्धि हुई है। 2011 में लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पांच जिले हैं घटते क्रम में, जौनपुर नगर में, जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1017, प्रतापगढ़ में 998 और सुल्तानपुर में 983। न्यूनतम लिंगानुपात वाले पांच जिले हैं बढ़ते क्रम में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में 851, उससे ज़्यादा हमीरपुर और बागपत में 861, उससे ज़्यादा कानपुर नगर, बांदा और मथुरा में है 863, और उसके बाद सबसे ज़्यादा औरैया में 864। शिशु लिंगानुपात 2011 क्या स्थिति रही? स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 1991 टू 2001 के दौरान व सबसे कम 1951 टू 61 के दौरान रही।
उत्तर प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात यानी 0 से 0 वर्ष आयु वर्ग में 902, 2001 में शिशु लिंग अनुपात 916 था, जो कि 2011 में 14 अंक घट करके 902 हो गया है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं बलरामपुर और बागपत। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे अब हम। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर 20.22% है। दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि के बारे में अब हम जानेंगे। वर्ष के अनुसार 1951 में दशकीय वृद्धि था 11.78, 1961 में वृद्धि था 16.38, 1971 में 19.57 हो गया, 1981 में 25.39 हो गया, 1991 में 25.61 हो गया, 2001 में 25.85 हो गया और 2011 में दशकीय वृद्धि 20.22 हो गया। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले हैं कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर और देवरिया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 915 नगर हैं, जिनमें कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 64 है। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान 30वां है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर जो कि आबादी के घटते क्रम में हैं लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी व प्रयागराज है। 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल हैं आबादी के घटते क्रम में कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ व प्रयागराज। आगे बात करते हैं अनुसूचित जातियों की क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20.7% है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले हैं सीतापुर, प्रयागराज और हरदोई। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले हैं बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले हैं कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई और कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले हैं बागपत नगर, बरेली और बलरामपुर। अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है सोनभद्र में, बलिया और देवरिया में। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है बागपत में, कन्नौज में और बदायूं में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र तथा सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला बागपत है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है जबकि सबसे छोटी जनजाति बनरावत है। केंद्र सरकार ने 2003 में प्रदेश की 10 और जनजातियों केंद्र सरकार ने 2003 में प्रदेश की 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। इस तरह सूचीबद्ध जनजातियों की कुल संख्या 12 हो गई है। पहले केवल थारू और बुक्सा की सूचीबद्ध ही थी पहले केवल थारू और बुक्सा ही सूचीबद्ध थी। कुछ प्रमुख जनजातियां हैं थारू। ये जनजाति जो है थारू ये तराई क्षेत्र में निवास करती है। इसका संबंध किरात वंश से है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें बजहर नामक त्यौहार का प्रचलन है तथा ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये गोरखपुर क्षेत्र में निवासित हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति में विधवा विवाह की भी प्रथा है। इस प्रकार के विवाह में भोज दिया जाता है जिसको कि लटभरवा भोज कहते हैं। सरकार थारू जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। इस हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति हेतु स्थापित किया गया है, थारू जनजातियों के लिए स्थापित किया गया है। शिक्षा के प्रसार में इनमें सांस्कृतिक चेतना आई है और इनका जीवन सुधर रहा है। बुक्सा जनजाति की बात करेंगे अब हम। ये जनजाति का मुख्यतः बिजनौर व आगरा जिले में पाई जाती है। ये जनजाति बुक्सा जनजाति, इस जनजाति में काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी है। महावीर जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। ये जनजाति बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। महिगीर जनजाति की मुख्य जनजाति जो है महिगीर जनजाति, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। खरवार जनजाति, ये जनजाति मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के इर्द गिर्द निवास करती है। इस जनजाति में कर्मा नामक नृत्य प्रचलित है। कर्मा नामक नृत्य जो है वो खरवार जनजाति में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या जिले में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। कहाँ पे जनजाति नहीं पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में जालौन और अयोध्या जिले में। तो अब हम आगे इस बॉक्स में जनजाति और उनके जनपद के बारे में जानेंगे। परहिया जनजाति, बैगा जनजाति, अंगरिया जनजाति, पठारी, भुइया और भुनिया जनजाति सोनभद्र में इनका जनपद है। पंखा और पनीका जनजाति का जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में है। चेरो जनजाति का जनपद सोनभद्र एवं चंदौली में है। खरवार अथवा खैरवार जनजाति का जनपद देवरिया, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर एवं वाराणसी में है। और सहरिया जनजाति का जनपद ललितपुर में है। बढ़ते हैं आगे, स्लम जनगणना के बारे में जानेंगे अब हम। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी 9.5% है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले घटते क्रम में अगर हम बात करें तो मेरठ है, आगरा, कानपुर, लखनऊ और फिर गाजियाबाद है। और देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 राज्य घटते क्रम में हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश की स्लम आबादी में साक्षरता दर 69% है। धर्म आधारित जनगणना है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू धर्म की तथा सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानने वाले की है। धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे हिंदू में है, उसके बाद मुस्लिम में, फिर सिख, फिर ईसाई, उससे कम जैन और सबसे कम बौद्ध हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर जैन धर्म में 94.5% की है तथा सबसे कम मुस्लिम धर्म 58.76% की है। साक्षरता दर की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई धर्म में 950 है और सबसे कम सिख धर्म में है 885 है। आगे बात करते हैं जनसंख्या नीति 2000। प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा 11 जुलाई 2000 को की गई है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु जनसंख्या कोष की स्थापना की गई। 2016 तक प्रजनन दर 2.1% लाना लक्षित किया गया। वर्ष 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान उम्र 16.4% 4 वर्ष से बढ़ा करके 19.5 वर्ष करना लक्षित किया गया है। कम उम्र में विवाह करने पर सरकारी नौकरी से वंचित रखने का निर्णय लिया गया है। विवाह की पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या एवं विकास आयोग का गठन हुआ है। जनसंख्या पर खर्च किए जाने वाले कूट बजट का 10% पंचायतों के माध्यम से खर्च करने की व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं आगे, प्रमुख संस्थाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको देखिएगा और सुनिएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है।
नेशनल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि राज्य का दूसरा संस्थान है, ये भी लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में है। उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान लखनऊ में है, निर्माणाधीन है ये। सेंट्रल ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ में है। माँ काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ में है, लखनऊ के चिन्हट में। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास संस्थान लखनऊ में है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ के चिन्हट में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लखनऊ में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ में है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब लखनऊ में है, लखनऊ के बख्शी का तालाब पे है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट अकादमी व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माणाधीन ये लखनऊ के सीजी सिटी में है। राष्ट्रीय स्तर का साइकिल वेलोड्रम निर्माणाधीन है ये लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर समता मूलक चौक लखनऊ में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र गोमती नगर लखनऊ में है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में है। रामाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में है, रमाबाई अंबेडकर मैदान। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में है। एग्रो पार्क लखनऊ और वाराणसी में है। राज्य में निर्माणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी पार्क और IT सिटी लखनऊ के सीजी सिटी में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में है। एशिया का प्रथम DNA बैंक लखनऊ में है। अवध शिल्पग्राम लखनऊ के सीजी सिटी में है। मेडी सिटी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान संस्थान है ये कल्याणपुर कानपुर में है, कानपुर के कल्याणपुर में। सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई कानपुर में है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो कि 1956 में स्थापित हुई ये कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान 1975 में कानपुर में है। JK कैंसर संस्थान कानपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी कानपुर में है जो कि 2010 में स्थापित हुआ है। मेगा लेदर क्लस्टर निर्माणाधीन है ये संडीला व रमईपुर में है कानपुर देहात में।
एप्रे टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कानपुर में है, साइबर सिटी कानपुर में है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क HVTI कानपुर में है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT प्रथम परिसर प्रयागराज में है, जीबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के झुंसी में है, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी प्रयागराज में है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज के बमरौली में है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के झुंसी में है, जवाहर नक्षत्रशाला आनंद भवन में प्रयागराज में है, सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड साइंसेंच डिम्प विश्वविद्यालय नैनी में है प्रयागराज के, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में है जो कि 1961 में बनी, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रयागराज में है, मदन मोहन मालवीय स्टेडियम प्रयागराज में है, इको नॉलेज पार्क प्रयागराज के खुसरो बाग में है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में है, टीवी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी सीतापुर में है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन मेरठ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला रामगढ़ परिसर में गोरखपुर में है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि लेजर तकनीक है ये रामपुर में है, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई इटावा में है, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन केंद्र गोरखपुर में है, डॉक्टर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है, शहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर गोंडा में है, टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र में है, क्लॉथ यानी कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में है, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार में है, मिर्जापुर के चुनार व खुर्जा बुलंदशहर में, कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में है, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा में है, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, गन्ना शोध परिषद शहर शाहजहाँपुर में है, गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर गोरखपुर व गोला में है लखीमपुर खीरी में, गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र सेवरही में है कुशीनगर में, कुशीनगर के सेवरही में, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र ये मेरठ में है निर्माणाधीन है, राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इटावा के सैफई में है, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट बरेली के इज्जत नगर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट रायबरेली में है, सेंट्रल एवियन यानी पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के इज्जत नगर में है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में है, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायबरेली में है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT द्वितीय परिसर टिक रमाफी अमेठी जो कि अब प्रयागराज में स्थानांतरित कर दिया गया है इसको, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जगदीशपुर अमेठी में है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड रिसर्च रायबरेली में है निर्माणाधीन है ये, डॉक्टर अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम अमेठी में है, मेगा फूड पार्क जगदीशपुर व
बहेड़ी में है, बरेली में ये स्थान है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी के चौका घाट पे है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान जो है ये भदोही के संत रविदास नगर में है। राज विद्यालय क्रीड़ा संस्थान अयोध्या में है। नेशनल स्पोर्ट अकादमी प्रयागराज के खेल गांव में है। खेल विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है, निर्माणाधीन है ये। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन ये झांसी व औरैया में है, प्रस्तावित है। झांसी व औरैया प्रस्तावित है। एग्रो पार्क निर्माणाधीन है, ये बाराबंकी व शाहजहांपुर में है। रसद आपूर्ति नेटवर्क हेतु लॉजिस्टिक पार्क हापुड़ में है, प्रस्तावित है ये। साइंस पार्क संडीला में, हरदोई में है, हरदोई के संडीला में। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा में है। केंद्र के सहयोग से प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आगरा व वाराणसी में है। राज्य का प्रथम सैटेलाइट टाउन हापुड़ के पिलखुआ में है। केंद्र द्वारा सोलर ऊर्जा सिटी के रूप में विकासाधीन आगरा, मुरादाबाद व प्रयागराज है। लॉयन सफारी पार्क इटावा में है, लायन सफारी पार्क निर्माणाधीन है ये। थीम पार्क जो कि पर्यटन संबंधी है ये आगरा में है। ताज शिल्पग्राम आगरा में है। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नोएडा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेटर नोएडा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। सुपर स्पेशलिस्टी अस्पताल व चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है, 2014 में बनी। बच्चों का सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान ग्रेटर नोएडा में है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम सहित स्पोर्ट सिटी नोएडा में है, निर्माणाधीन है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फॉर्मूला फर्स्ट रेस स्थल है ये, ग्रेटर नोएडा में है। अंडरग्राउंड पार्किंग वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स नोएडा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम अयोध्या में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो कि कृषि पार्क है ये लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा व आगरा है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा है। वेब सिटी ग्रेटर नोएडा है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में है। राज्य का पहला व देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा ग्रेटर नोएडा में है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा में है। भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क जो कि रात्रि वन्य जीव पार्क है ये ग्रेटर नोएडा में है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ पर है, फिल्म सिटी नोएडा में है। अब बढ़ते हैं आगे समसामयिकी पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट है ये। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की झांकी में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को दर्शाते हुए राज्य के मूल तत्व सर्वधर्म संभाव को प्रदर्शित किया गया। झांकी में काशी में गंगा के निर्मल धारा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी स्थित देवा शरीफ को भी दर्शाया गया है। झांकी में शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां, तबला सम्राट पंडित सामता प्रसाद जो कि खुदई महाराज भी हैं, और स्वर सामग्री विदुषी गिरजा देवी की प्रतिकृतियां भी प्रदर्शित की गई। झांकी पर कथक नृत्य को भी प्रस्तुत किया गया। संत कबीर, संत रविदास और महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिकृतियां को भी शामिल किया गया है। 71 के बाद 72वें गणतंत्र पे आते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। लखनऊ के गीतकार और साहित्यकार वीरेंद्र वत्स द्वारा इस झांकी के शीर्ष गीत थीम सॉन्ग में अयोध्या और सीताराम के प्रति जनमानस की आस्था का उल्लेख किया गया। बढ़ते हैं आगे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं। सबसे पहली योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। 29 मई को कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सहित उनके विकास के सभी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वालों को 4,000 रुपये प्रति
महीने की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 10 वर्ष की आयु से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कोई भी अभिभावक अथवा परिवार नहीं है, उसकी प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह शिशु में देखभाल की जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 197 ऐसे बच्चे हैं, 197 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने माता पिता खो चुके हैं। वहीं 1790 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता में से किसी एक का निधन हुआ है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि के साथ साथ बालिकाओं की भ्रूण हत्या को रोकने का उद्देश्य शामिल किया गया है। ये योजना 1 अप्रैल 2019 से संचालित की जा रही है। अगली योजना है एक जिला उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय और सूक्ष्म उद्यमों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और राज्य में रोजगार सृजन करना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे राज्य सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। 60% से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपए मिलेगा। इस योजना में किसान के साथ साथ बटाईदारों को भी योजना का लाभ प्राप्त होगा। 18 से 70 वर्ष तक की उम्र के किसान इस योजना के पात्र होंगे। अगली योजना है अटल आवासीय विद्यालय। 24 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 18 मंडलीय मुख्यालयों में अटल आवासीय विद्यालय खोलने की नींव रखी गई है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019। उत्तर प्रदेश में 17वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 62, अपना दल यानी एस को 2, गठबंधन को 15, जिसमें कि बसपा 10 और सपा 5, सपा जो है वो 5, और कांग्रेस को 1 सीटें मिली है। और इसके साथ ही आज का सेशन हमारा समाप्त होता है और यूपी स्पेशल आपके ख़त्म होते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मिलते हैं अगले सेशन में।